आप अपने आप को बेस्ट तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकें, उसके लिए जो मेन बात जरूरी है वो है यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक एंड यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू वुड स्पीक। ऑलवेज गाइस रिमेंबर वन थिंग, स्टार्ट विद अ स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। एंड गिव डिटेल्स अबाउट नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन आफ्टर ग्रीटिंग्स। हमेशा ध्यान रखना है, ग्रीटिंग्स करने के बाद आपको हमेशा नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन की जानकारी देना है। कई बार होता क्या है कि स्टूडेंट्स को कुछ पता ही नहीं रहता, कभी वो नेम बोल देता है, फिर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन बोलने लगता है, फिर हो सकता अपने गोल को बोलने लगे और लास्ट में हॉबी करते। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें सबसे पहले ग्रीटिंग्स करना है, इसके बाद नेम, प्लेस और क्वालिफिकेशन को देना है, बताना है। अब आप देख सकते हैं कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमें इंट्रोडक्शन के दौरान याद रखना है और उनको बोलना है। सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे, फिर हम नेम बताएंगे, प्लेस बताएंगे, क्वालिफिकेशन बताएंगे। आप चाहो तो फैमिली के बारे में बता सकते हो, बट इन वेरी शॉर्ट। आगे अपने गोल, एम और टारगेट को बताएं, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेसेस क्या है इसको बताएं, और हॉबीज, और आप चाहें तो स्किल एंड एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट में एंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त कह सकते हो माय नेम इज अरुण, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा माय नेम इज अरुण राजपूत, मेरा नाम अरुण राजपूत है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं आई एम अरुण राजपूत। तो ये दोनों ही बेस्ट हैं, जो भी आप कंफर्टेबल हो उसको बोले। नेक्स्ट पॉइंट में आई एम फ्रॉम झांसी, कुछ लोग बोलते हैं आई बिलोंग टू झांसी, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ और भी बेहतर अगर बोलना है तो मोस्टली आप ऐसे भी बोल सकते हो आई वॉज बॉर्न इन झांसी बट रेज्ड इन कानपुर, आप यानी कि मैं झांसी में पैदा हुआ लेकिन फिर कानपुर में पला बड़ा हुआ, तो इस तरीके से भी आप कह सकते हो। तो वेरी शॉर्ट अगर आपको देना तो सबसे बेस्ट तरीका माय नेम इज अरुण राजपूत, आई एम फ्रॉम झांसी, मैं झांसी से हूँ। इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स के अलावा आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है, एंड आई यंगर सिस्टर, और एक छोटी बहन है। आई एम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, अगर आप क्लास पाँच में पढ़ते हो तो आप बोल सकते हैं आई एम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। इसी के हिसाब से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो इसमें चेंज करके लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो आई एम इन क्लास सिक्स फाइव, जो भी है। आई हैव डन वन ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, अब ये आपको तभी बोलना है जब आपने कंप्यूटर डिप्लोमा किया है। और जितने भी किड्स हैं उस उनको ये पॉइंट बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो इस पॉइंट को हटा दें। बाकी आप कॉमन है सबके लिए, माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, मेरा शॉर्ट टर्म गोल स्पोकन इंग्लिश को लर्न करना है, एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम एन आईपीएस आईएएस ऑफिसर, और मेरा जो बड़ा गोल है वो आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर बनने का है। आप चाहें तो शॉर्ट टर्म गोल में बहुत ही कोई छोटी सी चीज़ को मेंशन कर सकते हो, जैसे आपको कोई छोटा सा कोई काम करना है, जैसे मान चलो आपको अभी समर सीजन आ रहा है, आपको गोवा विजिट करना है, तो आप ये कह सकते हो माय शॉर्ट टर्म गोल इज टू विजिट गोवा एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम आईएएस आईपीएस, जो भी बनना है, ओके वॉट एवर यू लाइक। माय स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, मेरी स्ट्रेंथ है मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो माय स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन अडॉप्ट इन एनी एनवायरनमेंट, मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली अडॉप्ट कर सकता हूँ। एंड माय वीकनेस इज दैट आई एम अ शाय बॉय, मेरी वीकनेस ये है कि मैं एक शाय बॉय हूँ। मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं आई हैव नो वीकनेस, सो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती हैं, आप अपनी वीकनेस को शेयर कर सकते हैं। एंड माय हॉबीज लास्ट में, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, हमेशा जब भी बोलें तो लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके लिसनिंग टू म्यूजिक नॉट लिसन म्यूजिक, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक। एंड कलेक्टिंग स्टाम्प्स, कुछ किसी का कलेक्टिंग स्टाम्प, कलेक्टिंग कॉइन्स, जो भी है गार्डनिंग, तो आप कम से कम दो तीन हॉबी जरूर बोलिए, माय हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कलेक्टिंग स्टाम्प्स ETC। दैट्स ऑल अबाउट मी, इसी के साथ ये फिनिश होता है, आप कह सकते हो थैंक यू, ओके। सो गाइस ये आपका रहा माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अगर आप इतने आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप पब्लिक के सामने, किसी के भी सामने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। एज यू ऑल नो
फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं रहता है, हम अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ से जो है इम्प्रेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव चैनल के व्यूअर्स हैं, वो भी अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए मैं इस वीडियो को आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव पर अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी बेनिफिटेड होते रहें।